तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले तलबा ने बताया कि दिल्ली में AISF के ज़र अहतमाम एक पार्लिमानी मार्च का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें नई कौमी तालीमी पॉलिसी और भगत सिंह नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को मनसूख करने का मुतालबा किया गया। इस मौके पर उनका कहना था कि मोदी हुकूमत की जानिब से 100 से ज्यादा अफराद को बेरोजगार किया गया है। पिछले 8 सालों से तालीम के शोबे को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया है और वो नई कौमी तालीमी पॉलिसी के जरिए तालीम की निजकारी और मोनेटाइज करने की साजिश कर रही है और कहा कि मोदी सरकार ने सालाना 2 करोड़ नौकरियों के वादे को नज़रअंदाज कर दिया। GST लगाना शर्मनाक है। तलबा की पढ़ाई के लिए इस्तेमाल होने वाली स्टेशनरी के बारे में कहा कि मरकजी हुकूमत के पास तालीम के शोबे के लिए कम अज़ कम 10% फंड्स मौजूद नहीं। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत तेलंगाना की तकसीम की जमानत देने वाले कवानीन पर अमल दरामद किए बगैर कोई भी कबायली यूनिवर्सिटी नहीं दे रही। तेलंगाना के साथ इम्तियाजी सलूक कर रहे और आला तालीम इदारों के क्याम में भी तेलंगाना के तई तासुब का मुजाहरा कर रहे हैं।